नमस्कार दोस्तों, 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए फाइनेंशियल ईयर के लिए असेसमेंट ईयर 2021-22 में जब आप अपनी आईटीआर भरेंगे और बहुत से एसएससीज पर सर आईटीआर 1 एप्लीकेबल होती है, तो उन्हें आईटीआर 1 भरने के लिए क्या क्राइटेरियाज का ध्यान रखना है, आईटीआर 1 भरते समय किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है, आज की इस वीडियो में यही पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने रखता हूं ये बात, हु कैन फाइल आईटीआर 1, आईटीआर 1 भरने के लिए एलिजिबल कौन है। ओनली एन इंडिविजुअल, यानी अगर आप इंडिविजुअल एसएससी नहीं है दोस्तों, तो आप ये रिटर्न भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। फर्दर, एन इंडिविजुअल और अ पर्सन हु हैज इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन, अ पर्सन हु हैज इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग केसेस वेयर लॉस इज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, फर्दर अ पर्सन who has income from other sources, excluding winning from lottery and income from resources, यानी अगर आपके पास लॉटरी इनकम नहीं है, रेसोर्स की इनकम नहीं है, और अदर सोर्स की कोई भी इनकम है, जैसे डिविडेंड इनकम हो गई, इंटरेस्ट इनकम हो गई, कुछ लोग कहते हैं जी मैं ट्यूशन इनकम दिखाना चाहता हूं, तो आप आईटीआर 1 भर सकते हैं। एंड इन द केस ऑफ क्लबिंग ऑफ आईटीआर वेयर अ स्पाउस और माइनर्स इनकम इज इंक्लूडेड, दिस कैन बी डन ओनली इफ द इनकम इज लिमिटेड टू द अबव स्पेसिफिकेशन। यानी मान लीजिए मेरी स्पाउस की इंटरेस्ट इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल हो रही है या माइनर की इंटरेस्ट इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल हो रही है, तो भी दोस्तों मैं आईटीआर 1 का फॉर्म भर करके अपनी टैक्स कंप्लायंस कर सकता हूं। अब यहां सुनिए दोस्तों, आईटीआर 1 कौन नहीं भर सकता, हु इज नॉट एलिजिबल। एन एसएससी हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न इन आईटीआर 2 और आईटीआर 3 एज द केस में बी, फॉर एन एग्जांपल डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और होल्डर ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर। यानी अगर आप आईटीआर 2 या 3 भरने के लिए लाइबल हैं, या मैं ये बोलूं जैसे फॉर एन एग्जांपल आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड कर रखे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्योंकि आप आईटीआर 1 नहीं भरेंगे और आपको आईटीआर 2 या 3 भरना है, तो आप आईटीआर 1 भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। द टैक्स पेयर हैविंग टोटल इनकम मोर देन 50 लाख, अगर आपकी टोटल इनकम दोस्तों 50 लाख से ज्यादा है, तो आईटीआर 1 फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आपको अपनी एसेट्स लायबिलिटी की डिटेल देनी है। अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, तो भी आईटीआर 1 फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे टैक्स पेयर्स who have two or more house property, they can't file ITR 1. Assessees having income under the head business or profession, क्योंकि business profession वाले individual assessees सर या तो ITR 4 भरते हैं या ITR 3 भरते हैं, उनके लिए ITR 1 form दोस्तों applicable नहीं है। Taxpayers who have long term, short term capital gain, जैसे आपने share market के transaction किए, चाहे कुछ भी gain हुआ या loss हुआ, आप ITR 1 नहीं भरेंगे सर। टैक्सपेयर्स हैविंग एग्रीकल्चर इनकम ग्रेटर देन रुपीज 5000, 5000 से ऊपर की कृषि आय यदि आपकी है, तो आप आईटीआर 1 भरने के लिए लाइबल नहीं है। ऐसे टैक्सपेयर दोस्तों जो रिलीफ करते हैं क्लेम फॉरेन टैक्स क्रेडिट के अंडर सेक्शन 90, 90 या 91, वो भी आईटीआर 1 भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। रेजिडेंट्स हैविंग एनी एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और साइनिंग अथॉरिटी इन एन अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी अगर आपके पास इंडिया से बाहर लोकेटेड एसेट है या इंडिया से बाहर किसी खाते के परिचालन के अधिकार हैं, तो भी आप आईटीआर 1 फॉर्म नहीं भर पाएंगे। एंड वेयर द टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N बिकॉज ऑफ द कैश विड्रॉल लिमिट्स एक्सीडिंग, वहां पर भी आप आईटीआर 1 नहीं भरेंगे। और भारत सरकार ने सर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज के लिए इनकम टैक्स डेफरमेंट की स्कीम ईसॉप के संदर्भ में दी, ऐसे एसएससी जो वो डेफरमेंट फैसिलिटी का बेनिफिट लेते हैं, वो भी दोस्तों आईटीआर 1 फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब दोस्तों आपके सामने यहां पर मैं ले रहा हूं आईटीआर फॉर्म का डिस्कशन इन फॉर्म ऑफ आईटीआर फॉर्म देयर बिफोर यू, कि आपके सामने मैंने आईटीआर फॉर्म रख दिया, इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न, इस फॉर्म का नाम है सर आईटीआर 1 सहज असेसमेंट ईयर 2021-20 फॉर इंडिविजुअल बीइंग रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स इंटरेस्ट एक्सेट्रा एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000। ये आपको क्लियर हो गया सर। फर्दर बोला नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर इन अ कंपनी और हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर इन केस वेयर टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड अंडर 194N और इफ इनकम टैक्स इज डेफर्ड ऑन ईसॉप। तो कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है दोस्तों, फॉर्म के टाइटल पर ही लिख दिया। अब मान लीजिए हम फॉर्म भरना शुरू करते हैं, तो आप अपना पैन डालेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार नंबर, आपका वर्तमान पता,
साथ ही दोस्तों आप कौन से सेक्शन में रिटर्न भर रहे हैं, अगर ड्यू डेट से पहले भरेंगे तो 1391, ड्यू डेट के बाद भरेंगे तो 1394, अगर आप एक रिटर्न ऑलरेडी इस ईयर की भर चुके और रिवाइज करेंगे तो 1395, और अगर आप डिले कंडोनेशन से कभी रिटर्न भरेंगे तो ऐसी परिस्थिति में आप सेक्शन 119 को टिक करेंगे। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी के रिस्पॉन्स में रिटर्न भर रहे हैं, जैसे डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस या 1421 का नोटिस, 148 का नोटिस, 153A, 153C अभी के लिए एप्लीकेबल नहीं मानिए, तो आपको यहां पर टिक करना पड़ेगा। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप इनमें से जो भी आप पर अप्रोप्रिएट सेक्शन है वो एप्लीकेबल करिए। मान लीजिए आप सैलरीड पेड भी नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल इजी फैमिली पेंशन एक्सेट्रा पर भी टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब जो इनिशियल डिटेल्स दोस्तों मैंने आपके साथ डिस्कस करी, उसी में आगे और क्या क्या डिटेल आपको देनी होगी। अगर आप एक पहली रिटर्न भर चुके हैं और उसको रिवाइज कर रहे हैं, या उसमें आपको डिफेक्टिव का इंटीमेशन आया है और आप फिर से एक दूसरी रिटर्न भर रहे हैं या करेक्ट रिटर्न भर रहे हैं, तो आपको ओरिजिनल रिटर्न की डिटेल विद द रिलेवेंट डेट यहां पर फिल करना है। यानी अगर आप पहली बार रिटर्न भर रहे हैं तो आपको यहां पर किसी प्रकार की कोई डिटेल भरने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप 1399 यानी डिफेक्टिव रिटर्न, 142, 148, 153A एक्सेट्रा में रिटर्न भर रहे हैं, तो आपको जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट से नोटिस आया है उस पर अगर कोई डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो आपको यहाँ फिल करना है। यानी अगर आप पहली बार रिटर्न भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, अगर आप ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, अगर आप नई स्लैब रेट का बेनिफिट ले रहे हैं तो यहां आपको टिक करना है कि हाँ साहब मैं नए स्लैब रेट का बेनिफिट ले रहा हूं या नहीं ले रहा, तो यस या नो जो एप्रोप्रिएट है वो चीज आपको एप्लीकेबल टिक करना पड़ेगा। आगे देखिए दोस्तों, आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेवेंथ प्रोविजो टू 1391 बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। ये माजरा क्या है सर, कि कुछ ऐसे असेसीज हैं दोस्तों जो रिटर्न भरने के लिए तो लाइबल नहीं है, लेकिन 1391 में एक सेवंथ प्रोविजो आया जिसकी वजह से कहा गया कि इन असेसीज के लिए रिटर्न भरना मैंडेटरी है, चाहे इनकम अबव एग्जम्पशन लिमिट है या नहीं है। तो अगर आप उस क्राइटेरिया में आने की वजह से रिटर्न भर रहे हैं तो आपको यहां पर टिक करके यस करके आगे भरना पड़ेगा। और अगर आप टिक में यस डाल रहे हैं, अब मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि भाटिया जी मेरी तो इनकम 7.5 लाख है सैलरी की और मैं ये रिटर्न भर रहा हूं, तो क्या मुझे यहां पर हाँ भरना है क्या? नहीं सर, आपके लिए रिलेवेंट ट्रांजेक्शन एप्लीकेबल है क्योंकि आप तो अदरवाइज ही रिटर्न भरने के लिए लाइबल है। तो यहां दोस्तों रिटर्न भरने के लिए टिक उस एसएससी को करना है जो कि अदरवाइज रिटर्न भरने के लिए लाइबल नहीं है। हाँ, अब अगर आप लाइबल हैं तो किस क्राइटेरिया पर होंगे? तीन क्राइटेरिया है, हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ इन वन और मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यस, यदि यहाँ यस है तो आपको टिक करना पड़ेगा। Have you incurred expenditure on an amount or aggregate of the amount exceeding 2 lakh for travel to foreign country of yourself or any other person? Yes, तो आप यहाँ पर yes करेंगे, amount लिखेंगे और यहाँ tick कर देंगे। Have you incurred expenditure of an amount or aggregate amount rupees 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? Yes, अगर आप yes करते हैं तो यहाँ amount लिखिए, यहाँ tick कर दीजिए। तीनों में से कोई भी एक criteria दोस्तों यहाँ पर आपके लिए applicable हो सकता है। अब मैं आईटीआर फॉर्म के पार्ट बी पर जा रहा हूं दोस्तों, जिसका टाइटल है ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें हेड वाइज इनकम आनी शुरू होगी। हेड में ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, केवल तीन हेड की इनकम आईटीआर वन फॉर्म में आ सकती है, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम और अदर सोर्स इनकम। सैलरी में आपकी जो भी ग्रॉस सैलरी है आपको यहां पर फिलअप करना है। आपकी जो सैलरी है उसके दो पोर्शंस होते हैं सर, मेनली मेन जो आपका कैश कंपोनेंट है, दूसरा परक्यूजिट या तीसरा कभी कभी प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी ग्रेच्युटी एक्सेट्रा के फॉर्म में आएगा, वो आप यहां डालेंगे। अगर आपके सेक्शन 10 में कोई एग्जम्प्ट अलाउंसेस है वो आप डालिए। नेट सैलरी आपकी जो बच गई, इस वजह से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स, तीन डिडक्शन मिलेंगे एज द केस में भी। स्टैंडर्ड डिडक्शन सर सभी को 50,000 मिलना ही है, वो लेकर के आपको टोटल अमाउंट यहां डालना है और फाइनली आपकी जो इनकम दोस्तों सैलरी की आएगी वो यहां पर आपकी रिटर्न के फॉर्मेट में रिपोर्ट हो जाएगी। एक बात दोस्तों और जोड़ना चाहूंगा, अगर आपके एक से ज्यादा एम्प्लॉयर हैं तो आपको दूसरा एम्प्लॉयर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर दूसरे एम्प्लॉयर की डिटेल भी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर रहे हो तो उनकी भी डिटेल इसी प्रकार से भरनी पड़ेगी। अब दोस्तों यहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल आपको क्या देनी है, क्या आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या डीम्ड लेट आउट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है, आप उसी संपत्ति में रहते हैं, लेट आउट आपने किराए पे दिया, और डीम लेट आउट क्या सर,
अगर खाली पड़ी संपत्ति है तो ऐसी परिस्थिति में उसको डीम्ड लेट आउट की पोजीशन में माना जा सकता है। जैसी भी पोजीशन हो, ग्रॉस रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल और लेटेबल ड्यूरिंग द ईयर यहां पर आपको इंसर्ट करना है। अगर आपने कोई म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह दिए हैं तो यहां माइनस करने को मिलेगा। जो नेट एनुअल वैल्यू आएगी दोस्तों, उसमें दो डिडक्शन मिलते हैं, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसे हम कहते हैं, और अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है तो उसका ब्याज भी आपको यहाँ डिडक्ट करने के लिए मिलेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको कोई पिछला बकाया एरियर या अनरियलाइज रेंट मिला है तो 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करके आप उस रेंट को भी यहाँ पर इनकम में रिपोर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल करके आएगी। एक बात जो ध्यान रखनी है वो क्या, अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपका होम लोन का इंटरेस्ट 2 लाख से ज्यादा का नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है तो चाहे इंटरेस्ट 2 लाख से ज्यादा है, पर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की नेगेटिव इनकम यदि 2 लाख से ज्यादा है तो वो सैलरी या दूसरी इनकम से 2 लाख रुपए से ज्यादा के एक्सटेंट तक दोस्तों एडजस्ट नहीं होगी। अब मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की चर्चा कर रहा हूं दोस्तों आपके साथ। अगर आपके पास में इंटरेस्ट की इनकम है, डिविडेंड की इनकम है, से फॉर एग्जाम्पल ट्यूशन इनकम है, या से फॉर एग्जाम्पल किसी को छोटी मोटी ब्रोकरेज की भी इनकम आई है, तो आपने उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाना है। एक्सेप्ट लॉटरी की इनकम, क्रॉसवर्ड पजल कैजुअल इनकम को छोड़ देते हैं। से फॉर एग्जाम्पल फैमिली पेंशन है तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर फैमिली पेंशन में से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस, वो आप घटाएंगे। फाइनली दोस्तों, आपकी सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और अदर सोर्स की इनकम, ये तीनों जोड़ करके आपकी ग्रॉस टोटल इनकम निकल करके आएगी। एक बात यहां ध्यान रखना है सर, अगर आपके पास में कोई कैरिड फॉरवर्ड लॉसेज हैं तो उन कैरी फॉरवर्ड लॉसेज को अगर आप इस साल एडजस्ट करना चाहते हैं तो आपको आईटीआर 1 नहीं भरना है सर, फिर आपको आईटीआर 2 भरना है। आप बोलेंगे भटिया जी कैरी फॉरवर्ड लॉसेज क्या है, पिछले ईयर की रिटर्न में आपके पास कोई लॉस था जो आपने कैरी फॉरवर्ड किया और आप इस साल सेट ऑफ करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आपको आईटीआर फॉर्म 2 भरना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखनी है। अब डिडक्शन डिटेल्स पर लिए चलता हूं सर आपको। चाहे ATC के डिडक्शन हो, जैसे LIC कॉन्ट्रीब्यूशन, PPF कॉन्ट्रीब्यूशन, ATCCC, ATCCD1, ATCCD1B में जो आप लोग 50,000 रुपए का NPS कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन लेते हैं, NPS में एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, मेडिकल एक्सपेंसेस का डिडक्शन, इसी प्रकार से ATDD, ATDD B जो मेडिकल से रिलेटेड या स्पेसिफिक हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज में आपको डिडक्शन मिलता है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, ATE, ATEE, ये सारे डिडक्शन जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हैं वो सब आपको फिलअप करते हुए टोटल आपके डिडक्शंस का क्वांटम लेना है और उसके घटाने के बाद में ग्रॉस टोटल इनकम में से आपकी टोटल इनकम का फिगर निकल करके आ जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, आपने जो टोटल इनकम कैलकुलेट करी उसके ऊपर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी निकलेगी, अगर आप 87A की रिबेट क्लेम करने के लिए हकदार हैं तो 87A की रिबेट कटाने के बाद में आपका नेक्स्ट रिबेट के बाद जो अमाउंट निकलेगा उसको फर्दर एनहांस किया जाएगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से। टोटल टैक्स में से अगर आपको 89 की रिलीफ क्लेम कर रहे हैं, जैसे आपको कोई एरियर ऑफ सैलरी वगैरह मिला, साथ साथ आपको फॉर्म 10 ही फाइल करना है, ये आपका नेट टैक्स लायबिलिटी आएगा। अगर आप डिलेड रिटर्न फाइल करते हैं या डिलेड एडवांस टैक्स देते हैं या डेफरमेंट करते हैं तो आपको 234 ABC का ब्याज देना है। अगर आप डिलेड रिटर्न फाइल करेंगे सर तो आपको 234F में फीस, जिसका क्वांटम 1,000, 5,000, 10,000 हो सकता है दोस्तों, वो यहाँ लिखना पड़ेगा। ये सब चीजें ऑटोमेटेड में जनरेट हो जाएंगी, आपका टोटल टैक्स फीस और इंटरेस्ट निकलेगा। इसमें से जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया है TDS से एडवांस टैक्स, वो घटाने के बाद या तो नेट टैक्स पेबल निकल आएगा या नेट रिफंड ड्यू आपको अपनी रिटर्न में रिफंड के रूप में क्लेम करना है। आपके क्विक रेफरेंस के लिए दोस्तों, मैंने यहां पर कंपैरेटिव स्लैब रेट रख दी, क्योंकि एक नया सेक्शन 115 BAC आया फाइनेंस एक्ट 2020 से, जिसने बोला कि साहब आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहें तो ओल्ड स्लैब में चलते रहें और आप चाहें तो नए स्लैब में चलें। तो मैंने वहां का टैक्स रेट का कंपैरिजन आपके सामने रख दिया है। एक बात जो यहां पर मैं नहीं दिखा पा रहा हूं सर, आप ध्यान से समझिएगा, निश्चित रूप से आपको यहां पर टैक्स की रेट में सब्सटेंशियल बचत है, लेकिन नई रिजीम में दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको बहुत सारे डिडक्शन, फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड डिडक्शन, ATC के डिडक्शन, ATG के डिडक्शन नहीं मिलेंगे। तो आपको या तो आपके टैक्स कंसल्टेंट से, चार्टर अकाउंटेंट से या ऑनलाइन ये चीज कंफर्म करनी है कि मेरे लिए ओल्ड रिजीम बढ़िया है या न्यू रिजीम बढ़िया है। और जो रिजीम बढ़िया हो सर, अगर आप सैलरीड पेड पर्सन है तो आपको ऑप्शन है, आप हर साल ये ऑप्शन एक्सप्लोर करें, जो आपको फाइनली बेनिफिशियल है आप उसके आधार पर अपनी फाइनल टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन करेंगे। यहां देखिए दोस्तों, आपको बैंक एंड टैक्स डिटेल्स भी अपनी देनी है।
कि आपके कौन सा बैंक अकाउंट है उसका आईएफएससी कोड, नेम, अकाउंट नंबर, सेलेक्ट अकाउंट फॉर रिफंड, इनमें से कौन सा अकाउंट आप रिफंड के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं। से अगर आपके एक से ज्यादा अकाउंट है सर, तो आपको वो अकाउंट जो एक से ज्यादा है वो भी यहाँ पर इंसर्ट करने चाहिए। एक बात ध्यान रखनी है सर, बहुत से लोगों ने अपना बैंक अकाउंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लॉग इन पर प्री वैलिडेट नहीं कर रखा। अगर आप प्री वैलिडेट नहीं करते, अपने बैंक अकाउंट को लिंक नहीं कर रहे हैं पैन से, तो रिफंड लेने में दिक्कत हो सकती है। तो आप रिटर्न भरने के साथ साथ अपने रिलेवेंट बैंक अकाउंट को जिसमें आप रिफंड चाहते हैं उसको प्री वैलिडेट भी कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आपने कोई एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के पेमेंट किए, तो बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान नंबर, टैक्स पेड को फिलअप करें। साथ ही अगर आपके कोई टीडीएस, टीसीएस से रिलेटेड डिटेल है, वो यहाँ पर ऑटो फिल्डअप में आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप यहाँ पर उन्हें मैन्युअली भी फिलअप कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों, ये वेरिफिकेशन का पोर्शन है। हालांकि आजकल रिटर्न्स ई वेरिफिकेशन में जाती हैं, तो अनलेस समबडी हु इज अ सुपर सीनियर सिटीजन एंड ही इज फाइलिंग अ रिटर्न मैनुअली, मैं उनको छोड़ दूं, तो बाकी किसी भी व्यक्ति को आज की डेट में प्रैक्टिकली रिटर्न साइन करने की जरूरत नहीं है। अगर रिटर्न साइन करने की जरूरत पड़ती है, तो आप वेरिफिकेशन पोर्शन में जैसे आई अनूप भाटिया, सन ऑफ श्री अशोक कुमार भाटिया, सो एंड सो डिक्लेयर माई कैपेसिटी एज इंडिविजुअल, आई एम फाइलिंग माई रिटर्न एंड दिस इज माई पैन नंबर, इस प्रकार से आप अपनी डिटेल फिलअप करके रिटर्न भर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इनकम टैक्स रिटर्न के आईटीआर 1 फॉर्म पर बनाई गई ये वीडियो आपको असेसमेंट ईयर 21-22 फाइनेंशियल ईयर 20-21 की रिटर्न भरने में हेल्पफुल रहेगी। ये पर्टिकुलर वीडियो का पर्पस सर, आपको रिटर्न के फॉर्म के एक एक कॉलम का या रो का जो अभिप्राय है या उसमें क्या फिलिंग देनी है आपको, वो समझाने का था। आईटीआर भरने की जो यूटिलिटीज हैं उस पर मैं अलग से सर ऑनलाइन ऑफलाइन यूटिलिटीज पर वीडियो लेकर के जल्दी आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।